हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी जायका विदेसी तड़का। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिर हाजिर है आपके सामने एक नई इंटरेस्टिंग और रमज़ान स्पेशल डिश के साथ, जिसका नाम है ब्रेड टोस्ट पिज्ज़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए किन सामग्रियों की ज़रूरत है एक नज़र डालते हैं। हमने करीब 400 ग्राम्स टोमेटो को बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब इसका छिलका अलग हो जाएगा तब हम छिलके को निकाल लेंगे और इस टमाटर को ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। ऑयल लगेगा हमें थोड़ा सा। सीजनिंग के लिए हम लोगों को लगेगा थाइम एक चुटकी और एक चुटकी ओरिगैनो। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, शक्कर आधा टीस्पून, टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून, शेजवाइन सॉस ये करीब 1 टीस्पून है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। हल्दी पाउडर 1 चुटकी, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर और गार्लिक चॉप्ड किया है हमने करीब, दोनों भी आधा आधा टीस्पून है। बटर लगेगा हमें, जितना ज़रूरत लगेगा उतना यूज़ करेंगे। ब्रेड हमने 4 स्लाइस ली है। अमूल की हमने चीज़ की 2 क्यूब ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारा टमाटर है वो अपना स्किन छोड़ रहा है। इस पॉइंट पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और टमाटर को ठंडा करके इसके छिलके को अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी जो टमाटो हमने ठंडा होने के लिए रखे थे वो ठंडा हो गई है। अब हम धीरे धीरे से इसका स्किन अलग कर लेंगे। इस तरह देखिए, हमने पूरा स्किन छिल लिए हैं। अब हम इसे एक एक ग्राइंडर मिक्सर में डालेंगे। इसी तरह हम बाकी का भी पूरा छिल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने हमारे सारे टमाटोज को पील कर लिए, अच्छे से छिलका अलग निकाल लिए। हम इस छिलके को फेंकेंगे नहीं फ्रेंड्स। हम अगर कोई ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें हम इसको पीस के डाल देंगे। हम इसको अभी फ्रिज में रख देंगे। अब हम इसे ग्राइंड करके लेके आते हैं। ध्यान रखिएगा कि हमारा जो टमाटर वो ठंडा होने पर ही हमें पीसना है। अगर हम गरम गरम टमाटर को पीसेंगे तो ये मिक्सर से बाहर स्प्लिट होकर आ सकता है। तो चलिए इसे पीस कर आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम फ्लेम ऑन कर लेंगे, मीडियम पे रखेंगे। अब हम इसमें करीब 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम हो जाने पर हम हमारा जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे। हम हमारा जिंजर गार्लिक जो चॉप किया हुआ है वो ऐड कर लेंगे। इसे हल्का सा गोल्डन होने देंगे। आप देख सकते हैं हल्का हल्का गोल्डन होने लगा है हमारा जिंजर गार्लिक। अब हमने जो ये पीस के लाए थे टोमेटो को, अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे धीरे धीरे। चार से पाँच मिनट हम इसे मीडियम गैस पे अच्छे से भून लेंगे टमाटो को।
अब हम इसमें हमारी चिली पाउडर ऐड कर लेंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, नमक स्वाद अनुसार, शक्कर ऐड कर लेंगे, और हमारी ये शेजवाइन सॉस हमने लिए थे वो ऐड कर लेंगे, और उस फ्रेंड्स मैं आपको विनेगर बताना भूल गई थी इंग्रेडिएंट्स में। ये करीब हम 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे विनेगर, चार से पाँच मिनट हो गए हमें अच्छे से इसे भूनते भूनते। अब हम इसमें हमारी वेजीज ऐड कर देंगे, हमने हमारी शिमला मिर्च ऐड की है और थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड कैरेट। आपके पास अगर रेड और येलो बेल पेपर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको इसको नॉनवेज बनाना है तो इस पॉइंट पे आप बोनलेस चिकन को आप पहले अदरक लहसुन और नमक के साथ में बॉईल कर लीजिए अच्छे से, और उसको श्रेड करके इस पॉइंट पे आप वो भी ऐड कर दीजिएगा वेजीज के साथ। इसे 1 से 2 मिनट हम अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये मसाला है वो ऑलमोस्ट सूख चुका है, करीब 1 से 2 मिनट और रखेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए, फिर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये टमाटो का सॉस है ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, ज़रा भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। अब हम इसे फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम हमारा फ्लेम ऑन कर लेंगे मीडियम पे, और अब हम इस पैन में बटर शामिल करेंगे। अच्छे से बटर को हम फैला लेंगे। अब हम इसमें हमारी ब्रेड को टोस्ट कर लेंगे। इस तरह हम सारे ब्रेड को दोनों साइड से गोल्डन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने हमारी चारों ब्रेड को अच्छे से टोस्ट कर लिया है बटर लगा के। आप चाहे तो घी में भी इसे टोस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम हमारा ये जो हमने सॉस बनाए थे इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह हम बाकी के ब्रेड्स में भी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने हमारे चारों ब्रेड पे अच्छे से मसाला स्प्रेड कर लिए। अब हम हमारी चीज़ क्यूब को इस पे ग्रेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने चारों पे अच्छे से हमारी चीज़ ग्रेट कर ली। अब जो ये हमने सीजनिंग रखे थे थाइम और ओरिगेनो इसे हम स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी कर सकते हैं, या अगर ये नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा टोस्ट पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी है। अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल देसी जायका विदेसी तड़का को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।